सिंगल से लोगे तो मेरे ख्याल। दोस्तों ये शेड आप जो देख रहे हैं गोट फार्मिंग का शेड है और ये गोकुल एग्रोनॉमिक्स भोपाल में स्थित है और आपको बताने जा रहे हैं कि लो कॉस्ट शेड कैसे बनाया जाए। आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज यही है गोट फार्मिंग में कि लो कॉस्ट का शेड कैसे बनाएं हम। और ये ऐसा शेड है जिसे हम डिटैचेबल शेड कहते हैं। अगर आप इस शेड को यहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये शेड आसानी से शिफ्ट हो सकता है, बिना तोड़ फोड़ के शिफ्ट हो जाएगा। और इसकी जो कॉस्ट है बनाने की वो लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये के अंदर इसकी कॉस्ट आती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपन कि ये शेड कैसे बनाया जाता है, इसके क्या कंटेंट हैं, इसमें क्या मटेरियल लगता है और हम कैसे बनाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं शेड को। और ये जो शेड है इसे आप कहीं पर भी बना सकते हैं, कोई भी लोकेशन हो, या तो वो गांव हो या आपका शहर हो, कोई भी रिमोट एरिया हो, आप वहां पे ये सामान आसानी से मिल जाएगा और आप इस शेड को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस शेड को देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को, इसकी हम पहले अंदर आके देखते हैं। ये देखिए ये शेड बना हुआ है, इसके अंदर हमने सेक्शनिंग की हुई है। 20x20 का शेड है ये, 20 फीट चौड़ा, 20 फीट लंबा और करीब 8 फीट ऊंचा। अब इतने बड़े शेड में दोस्तों आप लगभग 30 से 35 बकरे और बकरियों से अपना फार्म स्टार्ट कर सकते हैं और जिसकी कीमत आएगी लगभग 40,000 रुपये। तो इसमें जो हमने मटेरियल का यूज़ किया है, देखिए हमने यूज़ किया है 2 इंची पाइप, एक तो चपटे वाले पाइप हैं और एक गोल वाले पाइप हैं। सीमेंट की चादरें हैं, नीचे जो नेशनल की जो शीट आती है कोटेड शीट, उससे हमने बाउंड्री वॉल बनाई है। 3 एंगल लगे हुए हैं इसमें, आड़े जो आप देख रहे हैं, 1, 2 और 3 ज़मीन में दबा हुआ है। इससे क्या है शीट को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। और ये लगभग 3 फिट की जाली है जिससे हमारा शेड हवादार रहता है, शेड में स्मेल नहीं आती, कीड़े नहीं लगते और गर्मी भी नहीं होती है। बारिश और सर्दी के दिनों में हम इन पे पर्दा डाल सकते हैं। और ये हमने एक गेट बनाया है, ये गेट भी एंगल पे बना हुआ है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि इस शेड में क्या हमने मटेरियल यूज़ किया है। शुरुआत करते हैं हम ज़मीन से। देखिए ज़मीन पर आप देख रहे होंगे ये पेबल ब्लॉक है, इसकी कॉस्ट आती है 600 स्क्वायर फीट के जो ब्लॉक्स हैं वो लगभग 10,000 रुपये में मिल जाते हैं। और ये शेड है 400 स्क्वायर फीट का, लगभग 6,000 रुपये के इसमें पेबल ब्लॉक लगे हुए हैं। फिर हम देखते हैं आउटर बाउंड्री पे, ये देखिए आप नेशनल की आपको चादर दिख रही होगी, ये 16 फीट की चादर है लंबाई में, इसको हमने 16 फीट लंबी और 4.5 फीट चौड़ी। अब इसको हमने 4 फीट पे काटा है, ये 4 फीट की इसकी हाइट हो गई, ये आप देख सकते हैं 4 फीट पे काट के पूरा जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिमिलर कर दिया हमने, 4x4 का सेक्शन बना के, और ये चारों तरफ इसकी बाउंड्री बना दी है और ये एंगल पे कसी हुई है। इसके बाद आते हैं ऊपर का हिस्सा बचा हुआ 3 फिट, वो 3 फिट पे हमने ये आयरन की जाली लगाई हुई है। ये जाली जो है हवा का काम करेगी, इसमें से हवा पास होगी। इसके बाद ऊपर का जो हिस्सा है ये है एस्बेस्टर की शीट, यानी सीमेंट की चादर, ये आप देख सकते हैं सीमेंट की चादरें लगी हुई हैं, है ना, ये सीमेंट की चादरें हैं। इसकी कॉस्ट आती है लगभग 600 रुपये की एक चादर पड़ती है हमको, 3.5 फिट चौड़ी और 10 फिट लंबी, 10 फिट लंबी और 3.5 फिट चौड़ी, तो ये लगभग 14 चादरें लगी हैं इसमें, जिसकी कॉस्ट आती है लगभग 7,000 रुपये। तो और इसके बाद जो जितना भी लोहा लगा है, इस लोहे की कॉस्ट होगी अराउंड 20,000 रुपये। तो अगर और इसमें पेबल ब्लॉक लगे हुए हैं अंदर, देखिए आप ये पेबल ब्लॉक, ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे कंक्रीट का जो शेड बनता है ना, सीमेंट जो बनता है, कंक्रीट का जो फर्श बनता है। और ये पेबल ब्लॉक ऐसे हैं, अगर शेड को आप फ्यूचर में शिफ्ट करना चाहते हैं तो सारे पेबल ब्लॉक निकल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसकी अगर टोटल कॉस्ट को हम कैलकुलेट करें और 5,000 रुपीज़ अगर इसमें लेबर की कॉस्ट जोड़ लेते हैं तो ये लगभग 40,000 के आसपास ये शेड पड़ता है, जिसमें आप 30 से 35 जानवरों को रख सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे अभी यहाँ पर सब अंदर बाहर हैं एनिमल, यहाँ पर भी अभी 20-25 की स्ट्रेंथ तो है। दोस्तों इसके जो बाहर का ग्रेजिंग एरिया है
वो ज़्यादा से ज़्यादा रखें, लेकिन अगर आपके पास जगह कम है तब भी आप 10 फीट चौड़ा जो ग्रेजिंग एरिया है, 10 बाई 10 फीट चौड़ा और चारों तरफ से सराउंडिंग लिया हुआ, इस तरीके से आप देखेंगे तो एनिमल जो है चारों तरफ घूम सकता है इसमें। देखिए यहाँ से गोल सर्किल चल रहा है और ये पूरा राउंड है पीछे तक, तो ये आपका एनिमल के ग्रेजिंग के लिए हो गया, घूमने के लिए। अब तीसरी चीज़ आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, इनके खाने के मैंजर। ये आप देख रहे हैं खाने के मैंजर जो हैं तो बहुत ही लो कॉस्ट मैंजर हैं और काफ़ी मजबूत भी हैं। इसमें एनिमल खड़ा नहीं होता है और उसको गंदा नहीं करता है, और इसकी कॉस्ट आती है लगभग 2000 रुपये। अब आपने करीब 35 जानवर रखते हैं तो आप 3 मैंजर यहाँ पर रख सकते हैं, 1, 2 और ये तीसरा, तो इनकी कॉस्ट आती है 2000 रुपये पर मैंजर, तो टोटल कॉस्ट हुई 6000 रुपये। यानी आपने टोटल 46,000 रुपीज़ में आपका शेड चालू हो जाएगा, आपको सिर्फ एनिमल रखने हैं इसमें, बाकी सारी व्यवस्था है। पानी के लिए इस तरह की आप 100-150 रुपये की ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो टब रखा हुआ है इसकी बहुत लो कॉस्ट है। और चारों तरफ जो जाली करी है, देखिए जिगजैग जाली जो होती है गैल्वनाइज, वो जाली को आप कुछ एंगल लिए हैं, कुछ बल्ली ली हैं, ये जो गेट है ये भी लकड़ी का गेट है, इसमें जाली लगी हुई है, देखिए इस तरीके से, ये मुश्किल से 5000 रुपये की जाली है, ये टोटल जो है गैल्वनाइज जाली है, इसका इस्तेमाल किया है। और सामने गर्मी से बचने के लिए आप इस तरह से हरी नेट लगा सकते हैं, ये सीजनल है, 2 से 3 महीने लगाइए और इसके बाद इसको हटा दीजिए। दोस्तों अगर आप फार्म को लॉन्ग रन रखना चाहते हैं, लंबे समय के लिए अगर आपकी प्लानिंग है, तो आप एक चीज़ ज़रूर करें कि यहाँ पर पौधे ज़रूर लगाएं। जैसे आप देख रहे होंगे ये हमने एक आम का पेड़ लगाया है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है और इसको चारों तरफ से हमने जाली से कवर्ड कर दिया है ताकि इसको बकरी नुकसान ना पहुँचा सकें। ये देखिए यहाँ पर भी आम का पेड़ लगा हुआ है, आम का पेड़ लगा सकते हैं आप, सूबबूल लगा सकते हैं, नीम, कोई भी ऐसा छायादार पेड़ लगा दें, ये 1 से 2 साल में इसकी हाइट इतनी हो जाएगी कि जो आप हरी नेट लगा रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और एक नेचुरल प्राकृतिक छांव रहेगी जो कि बहुत ठंडी होती है, उसकी पत्तियां गिरेंगी तो बकरियां वो पत्तियां भी खाएंगी। तो इस तरीके से आप एक पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक एनवायरनमेंट यहाँ पे आप बना सकते हैं। इसमें बमुश्किल 1 से 2 साल लगते हैं पेड़ को बढ़ने में, 2 साल में ये पूरी ग्रोथ पर आ जाएंगे। आप ये पीछे जो पेड़ देख रहे हैं कि सिर्फ इनकी एज है अभी 2 साल, ये देखिए बबूल दिख रहा है आपको, पीपल दिख रहा है, ये भी बबूल है। तो इस तरीके से आप देखिए काफ़ी छायादार और बहुत ही सुंदर फार्म आपका डेवलप हो जाएगा।